अ क्वाइट प्लेस वन ऑफ द मोस्ट अप्रिसिएटेड हॉरर फ्रेंचाइजी जिसकी मूवीज़ को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी अ क्वाइट प्लेस डे वन का ट्रेलर आ चुका है, जो कि इस फ्रेंचाइजी की प्रीक्वल मूवी होने वाली है, जिसमें कि हमें इस पूरे भसड़ की शुरुआत में क्या हुआ था उसके बारे में पता चलेगा। और बात करूँ इस ट्रेलर की, ऑनेस्टली ट्रेलर काफ़ी बढ़िया है। ट्रेलर की शुरुआत होती है इसकी पिछली मूवीज के कुछ सीन से, जहाँ हमें इसकी फर्स्ट मूवी अ क्वाइट प्लेस में डे 471 से लेकर 473 की स्टोरी देखने को मिली थी, तो वहीं इसके सेकेंड पार्ट में डे 74 से 77 तक की स्टोरी दिखाई गई थी। पर इस बार मामला एकदम स्टार्टिंग से दिखाया जाएगा, फ्रॉम डे वन, किस तरह एलियन अर्थ पर आए और किस तरह से पूरी दुनिया एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में चेंज हो गई, जहाँ इस बार हमें एक नई फैमिली की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसमें लीड रोल प्ले कर रही है लुपिता नायोंग। मूवी प्रोनाउंसेशन थोड़ा गलत होगा तो संभाल लेना, बट इनको तुमने मार्वल मूवीज में नाकिया का रोल करते हुए देखा होगा। ट्रेलर में हमें थोड़ा बहुत डे वन का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी अच्छा था, लेकिन जिस तरह से चीजें आगे बढ़ती है और सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो जाती है वो काफी अच्छा लगता है, वो भी तब जब इसको इस बार जॉन क्रिसेंस्की डायरेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, जहाँ पिछली दोनों मूवीज को उन्होंने ही डायरेक्ट किया था, तो वहीं इस बार इस प्रीक्वल को माइकल सरनोस्की डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पिक जैसी मूवी बनाई थी जो कि काफी अच्छी है, तो उनकी इस मूवी से भी उम्मीदें तो जरूर है। और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद मूवी अच्छी भी होगी, पर रूमर्स तो ऐसे थे कि इस ट्रेलर को सुपर बॉल में रिलीज किया जाएगा, लेकिन पैरामाउंट वालों ने इसे पहले ही रिलीज कर दिया, जो कि अच्छा डिसीजन था, क्योंकि सुपर बॉल में जितने सारे ट्रेलर्स आने वाले हैं उसके नीचे तो ये ट्रेलर हाइप भी जनरेट नहीं कर पाती, लेकिन इस ट्रेलर को इन्होंने पहले रिलीज करके थोड़ी बहुत हाइप तो जरूर बना ली है। बट खैर, अब जब ये रिलीज हो चुका तो तुम्हें इसका ट्रेलर कैसा लगा और क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और क्या तुमने क्वाइट प्लेस की मूवीज देखी है ये भी बताना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।